And we have all an opportunity because of that to ask just 5 questions we can give time for. Subhashji, are you here? Subhashji. Please do come. Can we arrange a chair for Subhashji, please? Come. Get one chair for Sonakshi. Subhash Ghai, not only an old friend, but a great director in his own right, and an actor at one time. And I think he's coming into Shatrughan Sinha's function in a manner that they must have come at one time, late to each other's events. But I'm sure traffic would have been part of the scene. Subhashji, we were doing a small conversation here. And I wanted to ask you one quick question. I'm throwing you into it. मैं थोड़ा time की बात है. हमने कुछ कालीचरण की बात भी की थी कि आपने जो direct की. मैं एक आपसे पूछना चाह रहा था एक बात. This is a very frank book, a very honest book. तो आपका भी एक frank और honest answer मैं आपसे चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब अपने दोस्तों के लिए बड़े touchy हैं और जरा बहुत जल्दी he gets upset about things. तो you have to be very careful about that. What do you think? सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा कि मैं लेट आया. ये जो देन है लेट आने की, ये हमारा एक स्कूल है, उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा. उन्होंने हमें दी है. बहुत से दोस्तों ने आते सिखाई हैं. इन्होंने सिखाया जल्दी आना, टाइम पर आना. इन्होंने सिखाया लेट आना, लेकिन कॉन्फिडेंस से आना. लेकिन ये भी था कि लेट आते भी थे और लेट जाते भी थे और बाकी लोगों को जगाते भी थे. तो एनी वे बातें तो होंगी. बाकी आपने जो पूछा कि दोस्तों के बारे में बहुत टची हैं, थे और रहेंगे. आप कौन से दोस्तों की बात कर रहे हैं, मेल या फीमेल? एक तो टचिंग होगा, अदर विल बी टची. क्या लगता है? देखिए, ये तो खुलासा आपने कुछ ज्यादा कर दिया. शत्रुघ्न सिन्हा अगर मैं जानता हूं और पहचानता हूं जी और मानता हूं, तो ये है कि ये अगर इनकी वो सोनोग्राफी वगैरह कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये दिमाग से तो कभी नहीं, दिल से ही सोचते हैं. जो आदमी दिल से सोचता हो वो टची तो हर बात पे होगा. और दोस्तों के लिए, रिश्तों के लिए, रिश्ते निभाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा इज नोन फॉर बीइंग वेरी टची पर्सन. And I think you all know. So did you experience any of that? इनके जो चाहे statements हों या हरकतें हों या मोहब्बत हो, सबसे खूबसूरत बात जो मैंने notice की है, हमारे बहुत से दोस्त हैं, पर रहे हैं पुराने भी नए भी, जब भी मैं इनकी पार्टी में कुछ 35 साल से जाता हूँ, आप भी आते हैं जी. इनकी बर्थडे की पार्टी हो या कोई महफिल हो, और आज भी जो महफिल होगी आप देखिएगा कि सभी पुराने दोस्त 35 साल 40 साल से जो पुराने चले आ रहे हैं, चाहे भारती जी हैं, चाहे मुरारका साहब हैं, ये दोस्त हैं, आप सभी पुराने दोस्त मैं हर साल इनकी इनवाइटिंग लिस्ट में देखता हूँ. हमारे दोस्त बदलते रहते हैं, हिट कौन हुआ, फ्लॉप कौन हुआ, आया कौन, गया कौन. मार्केटिंग एजेंसी हमको बताती है अब इसको निकाल दो, इसको रख लो. लेकिन इन्होंने कभी भी दोस्तों को छोड़ा नहीं. आज भी हम पुराने दोस्त बैठे हैं, और अमित जी, शत्रु जी, मैं, हम लोगों ने साथ में ही स्ट्रगल शुरू की, साथ में आए, मुलाकातें होती थी, बातें होती थी, और आज मैं खुश हूँ कि आज सब लोग इंक्लूडिंग अमित जी आप आए, सब लोग आए. तो ये प्रमाण है इनका कि रिश्तों में और बहुत भावुक रहे हैं और रहेंगे हमेशा. थैंक यू वेरी मच. एक बात सिर्फ करना चाहूँगा, 10 सेकंड का इसके इंटरवीन कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा दिल से और दिल की बातें की. ये फैक्ट है, मैं दिल से, दिल का बहुत कायल हूँ, और मैं तो दिल की ही बातें करता हूँ. मन की बातें तो कर नहीं सकता, कोई और कर रहे हैं. मैं दिल की बातें करता हूँ. थैंक यू. सो वी
So we have an opportunity to ask a couple of questions quickly before we release the book. So is there anybody out here who would like to... Yeah, here. One minute. We will have to choose a person who wants to ask. You want to ask a question? Yeah, thank you. All right, hold on. We will have to choose five. Thank you, please. Short subject, question, not a statement. Subject aur sabhi mehman jo hain unka main shubhkamnaen deta hoon. Main altafshekh.com se. जेन्युइन मेरे दो सवाल हैं. वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो नरेशन आप सब लोगों ने यहाँ पे दिया, बहुत सारे सवाल के जवाब मिलते हैं. पहला सवाल ये, ऑटोबायोग्राफी जब हम लिखते हैं तो बहुत कठिन है, तो ऐसा कौन सा लम्हा था जहाँ आप ठहर गए और काफ़ी देर तक आपको डिस्कशन करना पड़ा कि इसे किस तरह से लिखा जाए और क्या किया जाए. और दूसरा सवाल अमित जी से जुड़ा हुआ है, वो ये कि 6 जनवरी को जब बुक जब बाहर आई तो आपने अमित जी के नाम से बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए, तो क्या आपने उनका नाम का इस्तेमाल किया? अब जाके थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो क्या चीज़ थी ये कि आपने मतलब अमित जी के नाम से अपने बुक को हाईलाइट किया और यहाँ आकर एक अलग चीज़ देखने को मिल रही है? दो सवाल है. थैंक यू वेरी मच. दे दूँ? पहली बात तो आपने कहा मैं ठहर गया, तो ये ठहराव तो बड़ा ज़बरदस्त आया जब मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और उस वक्त तो लगा कि मैं ठहर गया, दुनिया ठहर गई, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ख़त्म है. इसके बाद ये मुझे इसका भी अफसोस हो रहा था कि सिर्फ इस बायोग्राफी का क्या होगा. एक तो वो था. दूसरा आपने जो कहा कि सो अमिताभ जी के बारे में और ये कि कैसे वो सब कुछ अनुभव जो हमने लिखे हैं, ये बातें सब कल की हैं, लेकिन अगर नहीं करता तो ये ऑनेस्ट बायोग्राफी नहीं होती. इसका मतलब ये नहीं कि आज मेरे दिल में कुछ भी खटास है या कुछ भी इनके खिलाफत है. नहीं, वो जवानी का जोश था, स्टार्डम का तकाजा. अगर हम लोग कभी आपस में अगर ऐसा लगा तो दोस्तों में तो होता ही. हम दोस्त हैं तो हमें लड़ने का भी हक है, एक दूसरे से डिफर करने का भी हक है, डेमोक्रेसी है. तो वो स्टार्डम का तकाजा, जवानी का जोश होता. लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछें, उसको डाला है हमने अनुभव को, लेकिन आज आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा मेरे दिल में अमित के लिए इतना आई होल्ड हिम इन सो हाई एस्टीम कि इन ट्रू सेंस आई बिलीव दैट ही इज द पर्सनैलिटी ऑफ द मिलेनियम इन टर्म्स ऑफ बींग ए ग्रेट एक्टर, ग्रेटर स्टार एंड अ फर्दर ग्रेटर ह्यूमन बींग. ऐसा है तू भी ग्रेटर ह्यूमन बींग. ऐसा है तू भी
Thank you very much. Now we have, I'm sorry, we have no time for further questions. Thank you. But no, there is no time for further questions. Thank you very much. Just relax. But he is here. I think you can't ask a question now. I'm going to ask now. Please. So, okay. We are very grateful to the panel for participating so enthusiastically. I will request, since we talked of the family, whether we can ask Love first, and then Kush, and finally Sonakshi, to read a short extract of the book, and before they read it, tell us why they selected that extract. So may I ask Love, where is Love? बात करना चाहूंगा पापा के सफर के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। आज जब हम सोचते जो संघर्ष है वो संघर्ष सॉरी आज जो हम कहते हैं संघर्ष है, मैं उसको संघर्ष नहीं मान सकता। संघर्ष जो अमित जी ने देखा, जो मेरे पिताजी ने देखा, जो सुभाष मामा ने देखा, वो एक अलग किस्म का संघर्ष था। जब FTI से आए पापा, इट वाज वेरी डिफरेंट टाइम। There was no system as such, no casting directors, no ways of trying to get in. आपको अगर आपको जाना होता कहीं पे, तो कभी कभी ऐसे होता था कि आप क्या पैसे नहीं होते थे कि आपको कहीं पहुंचना, तो आप चल के जा रहे, दूर दूर तक चल के जा रहे। तो वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रगल। टुडे वी थिंक अबाउट एक्टर्स, दे कम इन कार्स टू मीट पीपल, दे हैव एक्सेस टू कास्टिंग डायरेक्टर्स, दे गो फॉर मीटिंग्स। इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइम। सो आई लाइक टू टॉक अबाउट पापा'स टाइम एट FTI, एंड मेबी अगेन because of papa not doing this, I maybe had to do it extra hard. About papa's time at FTI, where how he studied, what he studied, and what he did not study. His second negligence at FTI caught up with him in the film studios of Mumbai. I had to pay a heavy price for not taking my dance classes seriously. He accepted. During the filming of Rampur Ka Lakshman, कमल डांस मास्टर वॉज पिक्चराइजिंग द चार्ट बस्टर, प्यार के समय कम कम है जहां, विथ रेखा, रणधीर कपूर एंड मी, एंड आई हैड टू गिव 13 रीटेक्स। नाउ एन एक्टर हु इज नोन टू बी अ सिंगल टेक आर्टिस्ट इज सेइंग दैट ही हैड टू गिव 13 रीटेक्स। दे वर ईगो बस्टिंग एक्सपीरियंसेस, अगेन समथिंग दैट यू डोंट हियर ऑफ, दैट पापा इन टर्म्स ऑफ हिज कॉन्फिडेंस गेटिंग शेकन अप बाय समथिंग। ही सेड रिग्रेटफुली, इफ ओनली आई हैड टेकन माई डांस क्लासेस सीरियसली, I wouldn't have had to face this humiliation, because otherwise I had gained popularity as a one-take artist, as I said. But in every other way, the training at FTI gave the unmoored SS an opportunity to anchor himself, work towards a dream goal, and cover new ground. It was here that he first discovered the joy of an instant response from a live audience. I did Yatri, a play, for the first time in my life. He could still recall its pleasurable aftertaste. I got so many compliments for it. It was a new high that I discovered. I played a complete villain who finally breaks down and repents. Yatri was based on the real headline-making story of a girl who had been abandoned at the railway station by her lover. Even Jawaharlal Nehru and others had got involved in it and had supported the girl. He was at home on stage because of the confidence he exuded. There's a very thin line between confidence and overconfidence he wanted.
Confidence has to be backed by something substantial, substantiated by performance. My determination to head somewhere brought in confidence, and it was a huge asset for me at the Institute. When I think about my father, and when I think about us young actors who are trying to achieve goals, I'm always reminded by him, use your time wisely, focus on yourself, do not get distracted. Arjun ki aag ki tarah, aap bhi sirf nishane pe apna dhyan dijiye, aur aage badhte jaiye, himmat mat haariye. Thank you. Well, friends, thank you very much. Get all your questions, and I also apologize because of the shortage of time. Love will represent all the three children in the excerpts that are to be read for today. And so I will request... You want us to... All right. Kush, are you ready? Please come. Thank you. But Kush, tell us why you have chosen this. Yeah, that's what I'm going to do right now. I've come a little bit more prepared because I gave a lot of thought to what I'm going to say here and why I should say it. So let me talk about the people here. The gentlemen, ladies present behind me are examples of real success stories who have faced failure, fought against it, strived for their success, and achieved it. And because this, they inspire us every day. That's why we give them the respect that they deserve. Seeing Amit Uncle and Pa here today, it reminds me that they are undoubtedly different personalities, but with many similarities. Both are dominating personalities, both have memorable voices, both are masters of their craft. But the most important and crucial commonality between both men is, as my father would put it in one word, Junoon. That is why they are who they are. Pa and Amit Uncle have a long history together, and their journey has been filled with ups and downs, friendships and indifference. The general media may perhaps choose to focus on their disagreements and conflicts, but if you can look beyond that, there is a lot more one can learn from these giants. I'll read out what Amit Uncle has said in the book. So long as the basics are in place, nothing else matters. And I've always felt that our basics are intact. When he has invited me, I have attended, and vice versa. There are times when there was no invite and still there was attendance. When my father was breathing his last, I shall never forget Shatrughan's visit to Pratiksha late at night to offer not just his concern, but also as Minister of Health, to give assurance to me that if the ministry could do anything, then do not hesitate to ask. This I shall value above all else, ever. When he had his heart surgery, we went to visit him in hospital. No one called me to come see him. Basics, they are important. The basics and culture and upbringing. That is what is most important. So to conclude what I've just said, we should look at the respect they have for each other and how they have tried to be there for each other in good times and not so good times. That is what is important. And that is what I hope all of us will learn from them and from this book, that the basics are important, no matter where you are in your life and no matter how high you rise. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, everyone. Thank you very much. Okay, so we are now going to the momentous climax of this evening, and that is the release of the book. I have... Amitji has already spoken before, but if there is a popular demand, it seems, Amitji, for yes, you to speak again. Mr. Bachchan to speak as would the you chief say a few words before? Both the arm. Nahin ji, as the chief guest, we'd like you to speak. Haan ji. Before Mr. Bachchan, Bachchan says something, I'd like to say something about him. When I, you know, we all know so much about his discipline and his sense of timing. I mean, it's legendary. When I was doing this book, I got in touch with him and said I wanted to speak to him, and he said, send me an email, send your questions. We'd done this before because I've even done a cover story and lots of interviews over email, which has been very nicely responded to by Amit. When I wanted to do this book, he said, send the questions. I sent it to him on a Sunday at 2:30 in the afternoon. Before 4:30, within 2 hours, all my answers were there in his very elegant English, and I was so touched.
And you know, I'm one of those Batumis who kind of told him, make sure you don't give me yes and no terse replies. I want proper answers. I want full-fledged answers. I want incidents. I want stories, etc., etc. He was gentlemanly enough to put up with what I was saying. And he sent me the answers within 2 hours. We're journalists who respected deadlines all our lives. But I don't think any of us could have kept this kind of deadline. And I'm very touched, Amit. And when I told Sonu about it, he was equally touched. I mean, both of us just, you know, you bowled us over. Really. There's no one quite like Amitabh Bachchan, our chief guest. जितना बोलना था बोल दिया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, पत्रकारगण और मीडिया के सब सज्जन पुरुष, मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज मुझे यहां आमंत्रित किया गया और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस पुस्तक का जो विमोचन है वो हम सबके हाथों होगा। बहुत सारी बातें जो शत्रुघ्न जी के बारे में कहनी थी वो मैं पहले ही कह चुका हूँ और इसमें जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है। जैसा कि लव और कुश ने कहा कि जब हम लोगों की बेसिक सही हो बाकी सब चीज़ें आती जाती रहती हैं। बहुत सारे प्रश्न उठाए भाई साहब आपने और शायद उधर से भी कुछ प्रश्न आने थे। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग क्या पूछना चाह रहे थे। शत्रुघ्न हमसे उम्र में छोटे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि जो छोटे होते हैं उनका अधिकार बनता है कि वो बड़ों के ऊपर जो भी लांछन कसना चाहें कस दें। तो मैं उसको स्वीकारता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर ये रिश्ता मित्रता का, दोस्ती का ना होता तो ये जो लेन देन है ये भी ना होता। और ये बहुत आवश्यक होता है दो मित्रों के बीच में कि ये आवन जावन, गाली गलौच, चिरना, रींझना, ये सब चलता रहे। छोटे जो होते हैं वो, मैं ऐसा मानता हूँ, उनका ज़्यादा महत्व होता है। ये जो क्षेत्र से जहाँ से आते हैं, ये वहाँ का एक बहुत मशहूर दोहा है कि सत्संग्या के दोहरे जैसे नावन तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। I would now request, thank you very much, brilliant. I would now request Mr. Ajay Mago, the publisher, to also come on stage, Sonakshi to come on stage, and we are now ready for the release of the book. Bye.